अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक की परेशानी जानते हो और दिल्ली ट्रैफिक से परेशान हो तो आप स्मार्ट ट्रैवलिंग कर सकते हो दिल्ली मेट्रो का यूज करके। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मोहसिन खान वंस अगेन। तो कैसे हो आप? आई बिलीव आप भी अच्छे हो, मेरी तरह एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। लव यू जिंदगी। माय फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको स्मार्ट ट्रैवलिंग का परफेक्ट गाइड दूंगा, जिसके हेल्प से आप अपना टाइम एंड मनी दोनों सेव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैं अभी इंडिया के सबसे बड़े मेट्रो में हूँ। हाँ जी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो दुनिया के टॉप 10 कैपिटल सिटी मेट्रो में भी आती है। हाँ जी, दिल्ली मेट्रो की बुनियाद 25 दिसंबर 2022 में शाहदरा से 30,000 के लिए शुरू हुआ था। शाहदरा से 30,000 के लिए 65 किलोमीटर की लाइन बनाई, जिसे रेडी करने में 2 साल 9 महीने लगे थे। हाँ जी, 2 years 9 months लगे थे। 2005 में इस मेट्रो की शुरुआत रेड लाइन मेट्रो नाम से हुई। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड, दिल्ली मेट्रो 10 अलग अलग कलर में डिवाइडेड है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आप ये मैप बोर्ड देख लो, ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन का मैप बोर्ड है। और आप ये देखो, ये अलग अलग कलर में दिखाया गया है कि कहाँ से आप इंटरचेंज करते हो। चलो मैं समझाता हूँ ये लाइंस का चक्कर क्या है। दिल्ली मेट्रो में टोटल 10 अलग अलग कलर के लाइंस है। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन यानी के एयरपोर्ट एक्सप्रेस एंड रैपिड मेट्रो। रैपिड मेट्रो दिल्ली का सबसे कम डिब्बों वाला मेट्रो है। रैपिड मेट्रो में सिर्फ 3 डिब्बे होते हैं। हाँ जी, रैपिड मेट्रो में सिर्फ 3 डिब्बे होते हैं बस। रैपिड मेट्रो दिल्ली से गुरुग्राम यानी के दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करता है। रैपिड मेट्रो में टोटल 11 स्टेशंस एंड 1 इंटरचेंज है। इंटरचेंज मतलब तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इंटरचेंज मतलब आप रैपिड मेट्रो से किसी और कलर के मेट्रो को चेंज कर सकते हो। लाइक आपको येलो मेट्रो में चेंज करना है, ब्लू मेट्रो में चेंज करना है, तो आप इंटरचेंज के थ्रू ही चेंज कर सकते हो। हाँ जी, रैपिड मेट्रो की लाइन टोटल 10.58 किलोमीटर्स है, जिसे ये सिर्फ 14 मिनट में कवर करती है। रैपिड मेट्रो फेस 3 से गुरुग्राम मतलब गुड़गांव सेक्टर 55/56 55/56 तक चलती है, जिसका टिकट फेयर फेस 3 से सेक्टर 55/56 तक का 35 रुपये है। हाँ जी, सिर्फ 35 रुपये। और ये अभी मैं रैपिड मेट्रो के अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ आपको बाहर का, और आप देखो कितना खूबसूरत, कितना शानदार, कितना बेहतरीन नज़ारा है बाहर का। ये पूरा साइबर हब का आप व्यू देख रहे हो। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइस। दिल्ली के सबसे ज़्यादा स्टेशन वाली सबसे बिजी मेट्रो ब्लू लाइन मेट्रो है। ब्लू लाइन मेट्रो में टोटल 50 मेट्रो स्टेशंस और 10 इंटरचेंज हैं। ब्लू लाइन मेट्रो
दिल्ली से यूपी को कनेक्ट करती है। ब्लू लाइन मेट्रो की लाइन 55.56 किलोमीटर की है, जिसे ये सिर्फ 85 मिनट्स लाइक 85 मिनट्स में अचीव करती है। ब्लू लाइन मेट्रो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक चलती है और इसका टिकट फेयर फ्रॉम द्वारका सेक्टर 21 टू नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ओनली 60 रुपीज है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ब्लू लाइन मेट्रो दो तरह की है। हाँ जी, दो तरह की है ब्लू लाइन मेट्रो। दूसरी ब्लू लाइन मेट्रो की लाइन सिर्फ 8.23 किलोमीटर है, जिसे ये ओनली 30 मिनट्स में अचीव करती है। इस वाले ब्लू लाइन मेट्रो में टोटल 8 स्टेशन एंड 3 इंटरचेंज है। ये ब्लू लाइन मेट्रो यमुना बैंक से वैशाली तक जाती है। इसका टिकट फेयर यमुना बैंक से वैशाली तक 30 रुपए है। हाँ जी, 30 रुपीज ओनली। इसके बाद आती है पिंक लाइन मेट्रो। पिंक लाइन मेट्रो की लाइन 57.49 किलोमीटर है, जिसे ये 83 मिनट्स में अचीव करती है। पिंक लाइन मेट्रो में 38 स्टेशंस एंड 11 इंटरचेंज है। पिंक लाइन मेट्रो मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलती है। मजलिस पार्क से शिव विहार तक का टिकट फेयर 40 रुपीस है। इसके बाद आता है येलो लाइन मेट्रो। येलो लाइन मेट्रो की लाइन 47.25 किलोमीटर है, जिसे ये सिर्फ 69 मिनट्स में अचीव करती है। येलो लाइन मेट्रो में टोटल 37 स्टेशंस हैं और 8 इंटरचेंज हैं। येलो लाइन मेट्रो समयपुर बडली से हुडा सिटी सेंटर तक चलती है और श्यामापुर बडली से हुडा सिटी सेंटर तक का टिकट फेयर 60 रुपीज है, 60 रुपए। द नेक्स्ट मेट्रो इज वॉलेट लाइन मेट्रो। हाँ जी, वॉलेट लाइन मेट्रो की लाइन 45 किलोमीटर की है, जिसे ये 64 मिनट्स में कवर करती है। वॉलेट लाइन मेट्रो में टोटल 34 स्टेशंस और 5 इंटरचेंज है। वॉलेट लाइन मेट्रो कश्मीरी गेट से राजा नहर सिंह यानी के बल्लभगढ़ तक चलती है। कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ तक का टिकट फेयर 60 रुपीज है। इसके बाद आता है रेड लाइन मेट्रो। रेड लाइन मेट्रो की लाइन 33.48 किलोमीटर है, जिसे ये 46 मिनट्स में अचीव करती है। रेड लाइन मेट्रो में टोटल 29 स्टेशंस और 4 इंटरचेंज हैं एंड रेड लाइन मेट्रो शहीद स्थल यानी के न्यू बस अड्डा से रिथाला के लिए चलती है। न्यू बस अड्डा से रिथाला के लिए रेड लाइन मेट्रो का फेयर है 60 रुपीस। हमारा नेक्स्ट मेट्रो है मैजेंटा लाइन मेट्रो। मैजेंटा लाइन मेट्रो की लाइन 34.12 किलोमीटर है, 34.12, और ये सिर्फ 60 मिनट में अचीव करती है। और मैजेंटा लाइन मेट्रो में 25 स्टेशन और 4 इंटरचेंज हैं। मैजेंटा लाइन मेट्रो
जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन तक चलती है। जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन तक का फेयर 50 रुपीज है। हमारा नेक्स्ट मेट्रो है ग्रीन लाइन मेट्रो। ग्रीन लाइन मेट्रो की लाइन 27.96 किलोमीटर है, जिसे ये ओनली 34 मिनट्स में अचीव करती है। ग्रीन लाइन मेट्रो में टोटल 24 स्टेशंस और 4 इंटरचेंज हैं। ग्रीन लाइन मेट्रो कीर्तिनगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जाती है। कीर्तिनगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक का टिकट फेयर 50 रुपीज है। और हमारा नेक्स्ट मेट्रो है ऑरेंज लाइन मेट्रो, जिसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो स्पेशली एयरपोर्ट सर्विस के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो की लाइन 22.30 किलोमीटर है, जिसे ये 20 मिनट में कवर करती है। ऑरेंज लाइन मेट्रो में टोटल 6 स्टेशन और 3 इंटरचेंज हैं। और ऑरेंज लाइन मेट्रो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर 21 तक चलती है। हाँ जी, न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक का फेयर 60 रुपीज है। और मेरे दोस्त, हमारा लास्ट मेट्रो है ग्रे लाइन मेट्रो। ग्रे लाइन मेट्रो की लाइन सिर्फ 4.98 किलोमीटर, यानी के 5 किलोमीटर मान लो आप, 5 किलोमीटर की है, जिसे ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में कवर करती है। ग्रे लाइन मेट्रो में स्टेशंस भी बहुत कम हैं। ग्रे लाइन मेट्रो में सिर्फ 4 स्टेशन और 1 इंटरचेंज मिलेंगे आपको। ग्रे लाइन मेट्रो द्वारका से दमसा बस स्टैंड के लिए चलती है, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपए है। सो माय फ्रेंड, आई बिलीव आपको दिल्ली मेट्रो का नॉलेज मिल गया होगा और आपको समझ आ गया होगा दिल्ली मेट्रो में कितने सारे लाइन्स हैं और इंटरचेंज का क्या काम है। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, आई विल हेल्प यू। या फिर मेरे दिल्ली मेट्रो ऐप के ऊपर भी एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने DMRC एप्लीकेशन को यूज़ करके आपको दिल्ली मेट्रो का परफेक्ट गाइडेंस दिया है और भी बारीकी से समझाया है। तो आप DMRC एप्लीकेशन का यूज़ करके दिल्ली मेट्रो से दिल्ली के किसी भी जगह में जा सकते हो। इवन इट विल हेल्प यू टू गो आउट ऑफ दिल्ली एज वेल। सो गाइस, गो अहेड एंड वॉच इट नाउ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वन लाइफ बेबी।